नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री साइड न्यूज और मैं कौशल चंद्र पांडे। अभी पटना न्यूज रूम में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के कट्टर समर्थक मिहिर कुमार झा और हमारे बड़े संपादक विकास कुमार सिंह। इनसे हम समझने का प्रयास करेंगे जो राहुल गांधी पप्पू बनकर, उनके बारे में कहा जाता है कि पप्पू है और चीन पर भी वो पप्पू के रूप में साबित हो रहे हैं। चीन पर उन्होंने सरकार को हमेशा कमजोर करने का प्रयास किया है। मिहिर झा जी, कांग्रेस के कट्टर समर्थक, से समझने का प्रयास करेंगे कि राहुल गांधी पप्पू कैसे नहीं है, बताइए मिहिर जी। आप लोग बोल देते हैं पप्पू पप्पू, क्या किया है? चीन के बारे में पूछा है, 20 हमारे सेना जवान मर गया, इसका जवाब जवाबदेही कौन लेगा? कैसे 20 सेना मरा? कहां चीन में घुस गया था कि चीन हमारे पास घुस गया था? ये बात राहुल जी पूछ दिए, इसमें उसको पप्पू कहा जाता है। राहुल गांधी जी को पता है कि गलवान घाटी के बारे में कुछ, उनको पता है कि पीएलए बॉर्डरलैंड क्या कहते हैं, उनको कुछ पता है सर? इतना पता लगे हुए वो कैसे बोल देंगे? क्या मेंटल प्रॉब्लम है उनको क्या? 2017 से पूर्व भी कांग्रेस ने 2017 में कांग्रेस ने क्या, कांग्रेस जो इतनी नीतियां चली, क्या जो आर्म्स छोड़ने की पॉलिसी पर चला कि आर्म्स लेकर हम बॉर्डर पे खड़ा नहीं रहेंगे, कांग्रेस की नीति थी कि आज हमारे 20 सेना के जवान मारे गए, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तब कांग्रेस की नीति को ही आप मान रहे हैं ना? यदि आप उसको सेना को आप आर्म्स नहीं दिया तब तो कांग्रेस की नीति को ही मान रहे हैं, मनरेगा आप मानते हैं? आपको जानकारी देकर हम कंक्लूड करेंगे कि अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने सेना के को फ्री हैंड कर दिया है और कहीं भी गोली चलाने का आदेश दे दिया है। आप जने कौन देखा? नोटिफाई कर दिया गया है, लेकिन कांग्रेस के प्रबल समर्थक भारतीय सेना मर जाने के बाद। सर, आप यहाँ तो नीति कांग्रेस ने ही बनाई थी। हाँ। ना 62 के हार के बाद। हाँ। क्या भारत के लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि चीन से हम लोग हमेशा हार जाएंगे? नहीं, अब कैसे हारेंगे? पहले उस समय कांग्रेस की सरकार थी, हारा, अब नहीं हारने वाले हम लोग। हम लोग जीत के आएंगे, जीतेंगे। आप सुन रहे थे हमारे उप संपादक विकास जी को, इन्होंने स्पष्ट शब्दों में भारत के लोगों को संदेश दिया, आने वाले समय में चीन से कहीं भी हम कमजोर नहीं है। और कांग्रेस के प्रबल समर्थक, राहुल गांधी के प्रबल समर्थक, जो राहुल गांधी को एक दिन भारत का प्रधानमंत्री मानने हैं, इनका मानना है कि राहुल गांधी अपने नीति पर सही हैं। हमारे सहयोगी टिंकू के साथ कौशलेंद्र पटना से।